गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ जयेश रावल फ्रॉम थमणा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वी विल स्टडी इन मैथ ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड चैप्टर 3। लास्ट डे हमने यहाँ तक चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। सी और टीचर कैप्ट नॉट ऑफ विच फ्रूट स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल, दिस इज वॉट सी फाउंड। ये जो टीचर है वो कितने बच्चे फ्रूट्स लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, स्टूडेंट जितने भी फ्रूट्स लेकर आते हैं वो फाइंड आउट करके करने के लिए मैडम यानी कि टीचर निकलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट और फ्रूट्स के नाम ऑरेंज और मैंगो दिए गए और उसका टोटल है। यहाँ पर स्टूडेंट में गर्ल्स बॉयज़ अलग किए हुए और उसके यहाँ पर जो भी उनके नंबर से वो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट ए हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंज। यहाँ पर ए में जो स्टूडेंट है उनमें से कितने बच्चे को ऑरेंज पसंद है तो वो ऑरेंज लेके आते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स जो है वो ऑरेंज में उनकी जो नंबर है वो कितनी है और बॉयज़ की कितने है, तो 136 जो गर्ल्स है वो ऑरेंज लेते हैं और बॉयज़ जो है 128 वो बॉयज़ ऑरेंज लाते। तो ये जो है टोटल इसका कितना होता है वो यहाँ पर इस पेज में हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा फाइंड आउट स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट यानी कि गर्ल्स बॉयज़ है, यहाँ पर नंबर ए दिया है मैंने और उनके यहाँ पर क्या लिखी है, उनकी संख्या लिखी है यानी कि नंबर लिखे है। तो गर्ल्स जो है वो 136 है और बॉयज़ 128 है जो ऑरेंज लाते हैं, उनका टोटल हम लोग यहाँ पर कर दें तो 8 में 6 ऐड करने से कितने होते हैं 14, कितने होते हैं ऐसे 8 में 9, 10, 11, 12, 30 और 40, तो यहाँ पर कितना आता है 40। यहाँ पर 40 का 4 रख दें, 14 का 4 रख देंगे और जो 1 बचा वो 3 के ऊपर ऐसे 3 में हम लोग 1 ऐड कर देते तो 4 होता है और 4 में 2 ऐड करने से 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 के नीचे 6 रख देते और 111 जो 1 है उसमें 1 ऐड करने से 2 हो जाता है, इसलिए हमारा टोटल गर्ल्स और बॉयज़ जो है जो ऑरेंज लाते हैं वो कितने हो जाते हैं 264, कितने हो जाते हैं 264 हो जाते हैं। वैसे दूसरा जो है बी उसे हम लोग आगे बढ़ दे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगो, यानी कि जो ए में है वो लोग ऑरेंज लाते हैं, तो यहाँ पर हमको दूसरे में क्या करना है बी में मैंगोज़ को टोटल दे, मैंगोज़ का जो बच्चे लाते हैं स्टूडेंट लाते हैं उसका टोटल करना है। तो यहाँ पर मैंने इस पेज पे मैंगोज़ का भी यहाँ पर लिख दिया है गर्ल्स और बॉयज़ को, चाहिए उसको काउंट करते तो 0 में 3 ऐड करने से 3 का 3 रहता है यानी कि बचता है और 4 में 4 ऐड करने से 8 आता है, 2 में 2 ऐड करने से 4, यानी कि टोटल गर्ल्स बॉयज़ जो मैंगोज़ लाते हैं वो कितने हो जाते हैं 483 हो जाते हैं, कितने होते हैं 483 बच्चे हो जाते हैं। सी यहाँ पर आ जाते हैं। सी ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, क्या लिखा है यहाँ पर सी में ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, यानी कि यह जो स्कूल के बच्चे गर्ल्स और बॉयज़ की जो यहाँ पर नंबर दिए गए वो टोटल होके स्कूल में कितने बच्चे होते हैं वो हमको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑल स्टूडेंट यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ इस पेज पे अलग कर दिए, यानी कि यहाँ पर जो गर्ल्स है वो 136 और 240 है और बॉयज़ जो है यहाँ पर वो 128 और 243 है। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों को इस पेज में अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ काउंट करते हैं टोटल उनकी जो नंबर्स होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर क्या है बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स है तो 6 में 0 ऐड करने से 6 का 6 ही रहता है, ठीक है। 4 में 3 ऐड करने से 4 के बाद 5, 6 और 7 आता है, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देते हैं और 1 में
टू ऐड करने से या तो टू में वन ऐड करने से कितने होते हैं थ्री। इसलिए गर्ल्स जो है उसका टोटल कितना होता है 376, कितना होता है 376। वैसे बॉयज़ का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 8 में 3 ऐड करने से 8 के बाद 9, 10 और 11, 11 का यहाँ पर 1 रख देंगे और जो दूसरा 1 बचा वो 2 के ऊपर रखने से ऐसे रख देंगे और 2 में 1 ऐड करने से 3 होता है और 3 में 4 ऐड करने से कितने आता है 7। कैसे तो 3 के बाद 4 ऐड करो, 3 के बाद 4, 5, 6 और 7, ऐसे हम लोगों को ऐड करने है 4, तो यहाँ पर 7 बचता है और 1 में 2 ऐड करने से 3 आता है। इसलिए जो बॉयज़ है उसके जो नंबर है कितने टोटल कितना हो जाता है 371, कितना होता है 371। ये जो सी और सॉरी ये जो सी में है और स्टूडेंट की हमको टोटल करना है, तो यहाँ पर गर्ल्स का 376 आया और बॉयज़ का 371 आया, तो यहाँ पर हम मैंने टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज़ लिखा है, तो यहाँ पर उनका टोटल लिख देते हैं। गर्ल्स में 376 और बॉयज़ में 371 यहाँ पर मैंने कर दिया है, ठीक है। तो 6 में 1 ऐड करने से कितना होता है 7 और 7 एक दूसरे में ऐड करने से 14 होता है, यहाँ पर हम लोग 14 का 4 रख देंगे और जो 1 बचा हुआ 3 के ऊपर, तो 3 होके कितना होता है 6 में 1 हम लोग ऐड कर देंगे तो 7 हो जाते। इन दोनों का टोटल कितना आया 747, कितना आया बोथ टोटल, यानी कि दोनों का टोटल कितना आया गर्ल्स और बॉयज़ का 747 आया, ठीक है। ये जो सभी हम लोगों ने आंसर लाए वो सभी हम लोग इस टेबल में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आइए कैसे मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पर जो गर्ल्स बॉयज़ जो ऑरेंज लाते हैं उसका टोटल, ठीक है, तो उसका कितना है 264, कितना आया 264, और जो मैंगोज़ लाते हैं उनका टोटल 483, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए जो है उसका आंसर लिख दिया, यानी कि ऑरेंज कितने बच्चे लाते हैं वो, और मैंगोज़ बी वाला आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया, सी वाला जो है वो हम लोग टोटल जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उन दोनों का टोटल यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स होके कितने होते हैं 747, कितने होते हैं 740। इन दोनों का भी कर सकते हैं या तो अलग अलग करके इन दोनों का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्ल्स है डी में, ठीक है, तो यहाँ पर डी नहीं अभी सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ उन लोगों को अलग अलग काउंट भी कर सकते हैं ऐसे। तो 136 में हम लोगों ने 240 ऐड किए थे, तो कितने होते हैं गर्ल्स की जो नंबर है वो टोटल कितना होता है 376 और बॉयज़ के 371, यानी कि हम लोग इस तरीके से भी टोटल कर सकते हैं या तो इस तरीके से भी टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो सी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आगे इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350, यहाँ पर ऐसा कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो गर्ल्स की जो नंबर है वो 350 से ज़्यादा है या तो कम है वो हमको चेक करें। तो हमने यहाँ पर ऐसे गर्ल्स जो है ये दोनों का दोनों टोटल किया हमने यहाँ पर, तो वो कितने आए टोटल 376 आए, कितने आए 376। इसलिए ये जो है नंबर वो 350 से ज़्यादा है, यानी कि मोर आएगा, कौन सा आंसर आएगा डी में मोर, ठीक है, मोर देन 350 आएगा। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं, यह जो नेक्स्ट पेज पे है वो प्रैक्टिस टाइम है,
जो आप लोगों को करना है, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आज इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।